Hey guys, welcome back to a new video. So, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं Cyrotech router की। अब हमने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो पहले बना दी है कि कैसा चलता है, कैसी इसकी सर्विस रही है, क्या क्या इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे सेटअप कर सकते हो, आप कैसे इसमें इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं अपने वीडियो में। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो Cyrotech router, इसमें आपको ना यहीं पे लिखा होगा कि आपका जो डिफॉल्ट यूजर आईडी और पासवर्ड है वो क्या है। बट अगर आपको इसमें नहीं मिलता या अगर आपके पास है और तभी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करो, उससे बात करो और उसे बोलो कि वो बताए। अगर अब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि हम नहीं बताते, तो ये आपका एक कंज्यूमर राइट है। इससे बेकार सर्विस में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप यही नहीं जान सकते कि आपकी चीज़ें काम कैसे करती है, तो ये उस कंपनी के लिए बहुत ही बुरी बात है। अब पर्सनली हमें ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ, ना मुझे हुआ है ना अचिंत को हुआ है। मेरे वाले ने हल्का सा थोड़ा हिचकिचाया वो बताने से पहले कि कहीं मैं कुछ सेटिंग ना छेड़ दूं। और एक्चुअली एक वैलिड आर्गुमेंट भी है, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता और वो कुछ ना कुछ सेटिंग छेड़ के चेंज कर देते हैं, इंटरनेट चलना बंद होता है, फिर फोन करके अरे भाई मेरा नेट नहीं चल रहा यार, कुछ कर दो। तो उससे बचने के लिए मेजोरिटी ऑफ द लोगों को नहीं बताते होंगे, बट अगर आप पूछो तो आराम से कोई भी मना नहीं करेगा। तो अब सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, बट उससे पहले मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि नेट जरूरी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो हमारा आईपी एड्रेस है वो टाइप करना है। तो हम टाइप कर देंगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये होता है 192.168.1.1। तो अब यहाँ पे जो आपका गिवन यूजर नेम और पासवर्ड है आप वो टाइप कर देना। सो Cyrotech का ज़्यादातर एडमिन होता है, और पासवर्ड मैंने आपको दिखाया ही था कि कैसे होता है राउटर के पीछे। और Cyrotech में एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, बार बार आपसे एक वेरिफिकेशन कोड मांगता है, यहाँ पे रैंडम लेटर लिखे होते हैं। सो बाकी उसमें मैंने अब तक ये नहीं देखा, मैंने सिर्फ Cyrotech में देखा है, कुछ और में भी होता होगा। बट आप यहाँ पे टाइप कर देना जो भी दिख रहा है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप रोबोट हो, तो आप ये काम नहीं करना। अभी जो Cyrotech का मेरे पास मॉडर्न स्लैश रूटर है, स्पेसिफिक मॉडल है GPON 1110 और WDONT राउटर। तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ जरूरी जरूरी सेक्शंस में लेके जाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस है। जैसे आप स्टेटस में देखोगे तो यहाँ पे इसके अंडर 5 सेटिंग है, फिर आप क्लिक करो तो और साइड में 3 सेटिंग्स है यहाँ पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है। अब मैं आपको सिर्फ जो बेसिक चीज़ें आपको करनी चाहिए अपने राउटर के साथ मैं वही सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप बाकी कुछ इसमें छेड़ोगे आपका नेट नहीं चलेगा तो उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं अपना। अब सबसे पहले आपको अगर चेक करना है कि आपके उसमें नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको जाना है यहाँ पे स्टेटस में और नीचे वैन कनेक्शन इन्फो। अब अगर यहाँ पे जो स्टेटस है अगर ये अप है, इसका मतलब आपका नेट चल रहा है, और अगर ये डाउन दिखा रहा है तो मतलब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कोई दिक्कत आ रही है नेट की। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ देख सकते हो वो है यूज़र इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपका कौन से बैंड का है, जैसे हमारा सिंगल बैंड राउटर है तो आपको यहाँ देख सकते हो 2.4 GHz। आप यहाँ पे इसमें जो डिवाइस अभी कनेक्टेड हैं उनका आप यहाँ पे मैक एड्रेस देख सकते हो। सो जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका है 1419, और जैसे मेरा मोबाइल कनेक्टेड है उसका है 1E08। अब जैसे कि यहाँ पे अचिंत अपना वाईफाई ऑन करेगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि एक और यहाँ पे वाईफाई आ जाएगा। तो हम जाएंगे यूज़र इन्फॉर्मेशन में, तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 3 मैक एड्रेस आ चुके हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई जानने वाला चुपके से नेट चला रहा है, तो आप यहाँ पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। और अभी इसी से हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप कैसे मैक एड्रेस को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी में और मैं जाऊँगा मैक फिल्टर पे, तो यहाँ पे आपको 2 लिस्ट मिलती है, एक वाइट लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। अब काफ़ी जगह क्या होता है, जैसे मैं एक जगह कोचिंग सेंटर में जाता था तो वहाँ पे ओपन नेट था, बट कोई हर कोई इसे नहीं चला पाता। उसमें क्या है, अपना फ़ोन का मैक एड्रेस दो, वो अपनी वाइट लिस्ट में डालेंगे तब आपका नेट चल पाएगा। बट आप इसमें दूसरी चीज़ भी कर सकते हो, आप इसे ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हो। सो सबका नेट चलेगा, बट जो आपने पर्टिकुलर मैक एड्रेस यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में डाले होंगे वो नेट उसमें नेट नहीं चलेगा। सो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसे अनेबल करना और चाहे ब्लैक लिस्ट या चाहे वाइट लिस्ट सेलेक्ट कर लेना। अगर आप मान लो ब्लैक लिस्ट पे जा रहे हो ऐड में जाना, और आपको जो डिवाइस का मैक एड्रेस होगा आप यहाँ पे डाल देना और उसका नेट बंद हो जाएगा। अब अगर आप या तो पेरेंट हो या एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बड़े भाई या बड़े बहन हो जिन्हें अपने किसी का भी नेट बंद करना है, एक हफ्ते के लिए एग्जाम आ रहे हैं, जो भी है, सो आप ये कर सकते हो। बट आजकल वर्क फ्रॉम और स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है तो मैं कहूँगा ये मत करना प्लीज़। जोक्स अपार्ट, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीचर है, तो आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हो। अब यहीं पे आप सिक्योरिटी के अंडर अगर हम वैन एक्सेस में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे एक URL फिल्टर करके ऑप्शन है। अब हमने इसे 2-3 बार टेस्ट कर लिया है, हमने यहाँ पे YouTube.com डाला, बट अगर आप यहाँ पे साइड में जाके देखो और YouTube.com पे रिफ्रेश मारो तो यहाँ पे YouTube.com चल रहा है। अब हमें एक बार के लिए लगा कि मे बी सिर्फ YouTube.com को चलाएगा बाकी बैन कर देगा, बट ऐसा भी नहीं हुआ। जैसे स्पीड टेस्ट को आप देख सकते हो, ये रिफ्रेश करो मैं, यहाँ स्पीड टेस्ट वाला भी अभी भी चल रहा है। सो ये इसका जो फीचर है, मुझे लग रहा है ये काम नहीं कर रहा है अच्छे से, लग क्या रहा है, दिख रहा है कि काम नहीं कर रहा है। अब अगर आपको ये फीचर आता है चलाना, अगर आपको लग रहा है मैं कोई गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले एरिया में इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप बाकी लोगों की भी मदद करना, आपका कमेंट पिन कर देंगे हम। नेक्स्ट अब आते हैं अपने नेटवर्क सेक्शन पे। हम यहाँ पर
तो नेटवर्क सेक्शन में जैसे आप जाओगे तो जो यहाँ पे आप यूजर नेम एंड पासवर्ड देख रहे हो, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है आप लोगों को, और ये काफी यूनिक होता है। इसी से पता चलता है कि जो राउटर है मेरा ये मेरे आईडी से लिंक्ड है बीएसएनएल की, और जो भी नेट यूज हो रहा है, बिल आ रहा है, ये मेरी आईडी पे आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो इसे छेड़ना मैं कहूंगा बेवकूफी होगी, तो वो आप हो नहीं तो इसे बिल्कुल मत छेड़ना। तो ये सब यहाँ पे होता है। अब नेटवर्क में आपको यहाँ पे कोई भी कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो उससे यूजर नेम एंड पासवर्ड अपने जो भी आपके यहाँ लगाने आएगा उसे मांग सकते हो जस्ट इन केस। अब नेक्स्ट जो आपकी चीज है वो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, वो है VLAN। अगर आप VLAN में जाओ तो यहाँ पर है सब कुछ जिसके लिए लोग, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द लोग वीडियो देख रहे हैं कि आप अपना कैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे वर्क वाईफाई लिखा है, आप इसे कुछ भी कर सकते हो। बहुत लोग रखते हैं कि मैं नहीं बताता फ्री का इंटरनेट, मतलब अलग अलग नाम रखते हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे आप इसमें बैंड्स भी डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट है कि आप B+G+N को रखो। सो आप यहाँ पे वो चीज चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो वो है कि आप अपना डिसेबल कर सकते हो वाईफाई नेटवर्क। अब अगर आपको अपने वाईफाई नेटवर्क में इंटरनेट नहीं चाहिए जो आपको राउटर मिला है SIUTECH में, क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी राउटर ले रहे हो इंटरनेट से, फॉर एग्जांपल टीपी लिंक का या डी लिंक का, सो आप यहाँ पे इसका डिसेबल कर सकते हो वाईफाई नेटवर्क, और अपने उस राउटर से यहाँ पे आप वाईफाई चला सकते हो लैन के थ्रू। अब और आगे चलते हैं, यहाँ पे नाम तो आपको दिख ही होगा। तो अब अगर हम यहाँ सिक्योरिटी में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्री शेयर्ड की है या आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है ये वो होता है। अब नाम तो आपको वहां से चेंज करना है जो मैंने ऊपर बेसिक में बताया था, और सिक्योरिटी में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एक ही है, वर्क वाईफाई हमने सेलेक्ट कर लिया है, और आप कोई सा भी इंक्रिप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप WPA2 और आप यहाँ पे कोई भी इंक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप नन कर सकते हो तो आपका वाईफाई ओपन रहेगा, कोई भी इसे लॉग इन कर सकता है, अनलेस आपने इसमें यू नो व्हाइट लिस्ट वाला हो डाला हो। और जो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो WPA2 और WPA2 mixed। अब अकॉर्डिंग टू एप्पल आपका WPA2 काफी ही वीक नेटवर्क होता है, आप उसे यूज ना करना। और जहाँ पे WPA सूट होता है आप हमेशा उसे AES पे ही रखना, इससे आपका इंक्रिप्शन ज्यादा सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम आते हैं जो प्री शेयर्ड की फॉर्मेट होता है। अब या तो आप पास फ्रेज रखो, बेसिकली आप कोई भी यहाँ पे 8 से 10-15 डिजिट के रैंडम लेटर या कुछ भी नाम वगैरह रख सकते हो, बट यहाँ पे एक 64 कैरेक्टर का हैक्स भी होता है। अब अगर आपको हर डिवाइस में 64 कैरेक्टर के पासवर्ड डालने हैं तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब अपने वाईफाई नेटवर्क की सेटिंग छेड़ने के बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो है अगर आप ऊपर मैनेजमेंट में जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन करा था जो आपको डब्बे के पीछे भी देखने को मिलता है, आप उसे चेंज कर सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पे आपका जैसे यूजर नेम दिखा रहा है एडमिन है, आप अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते SIUTECH रूटर में, ये ग्रेड आउट है, बट यहाँ पे आप ओल्ड पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड डाल सकते हो, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो अगर आपको ये दिक्कत थी तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अब होपफुली आपको सब कुछ आ गया होगा, और मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें ज्यादा कुछ मत छेड़ना। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि अपना जो मेरा राउटर उसे रीसेट कैसे करूं मैं, तो वो आपको अपने राउटर में एक रीसेट बटन दिख जाएगा, वहां पे एक बटन होता है जो कि थोड़ा अंदर होता है, उसे आप पिन से अगर डालोगे या तो एक सुई ले लेना या आप एक ऑल पिन ले लेना, अब उसे दबाना और आपका राउटर रीसेट हो जाएगा। बट आप ये तभी करना अगर आपको इस राउटर को एज अ एक्सटेंडेड वायरलेस कुछ बनाना है। अगर आपके इसमें डायरेक्ट कोई इंटरनेट लगा है एयरटेल BSNL किसी का भी, तो आप इसे मत करना, क्योंकि जो आपका जो पासवर्ड वगैरह होता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है वो सब हट जाएगा। बट अगर आपके पास ये पुराना पड़ा था और आपको इसे अपने नए जो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट का उसके साथ कनेक्ट करके अपना वाईफाई एक्सटेंड करना है, तो आप वो काम कर सकते हो। तो हमने वाईफाई एक्सटेंड करने पे भी एक वीडियो बनाई है, इस वक्त आई बटन में आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगर आपको इस राउटर का रिव्यू देखना है तो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको BSNL फाइबर से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट होगी यहाँ पे, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।